दबंग खान ने खिलाड़ी कुमार का कर्ज कैसे चुकता किया? क्या ईद का मतलब सलमान खान होता है? और दिसंबर का लास्ट वीक बॉलीवुड के लिए इतना लकी क्यों माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सलमान खान की फिल्म इंशा अल्लाह, जो कि ईद 2020 पर रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन सलमान खान ईद 2020 पर मिलने का वादा कर चुके हैं और खबरों की माने तो ईद 2020 पर सलमान खान दबंग 3 का धमाका कर सकते हैं। और ये सब हो रहा है एक उधार के बदले। दरअसल दिसंबर में सलमान खान की दबंग 3 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही थी, जिसके 7 दिन बाद यानी कि 27 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है अक्षय कुमार की गुड न्यूज़। अब जाहिर सी बात है कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों को थोड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जबकि साल का अंत बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी मुनाफे भरा रहता है और इसीलिए सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 3 वहाँ से उठा सकते हैं और ईद तक के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। वैसे भी ईद 2020 पर अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी अपनी सूर्यवंशी लेकर आ रहे थे, लेकिन रोहित शेट्टी ने ये फिल्म सलमान खान की ईद के लिए खाली कर दी थी। तो ऐसे में अब बारी सलमान खान की थी, तो हो सकता है कि सलमान खान क्रिसमस अक्षय कुमार के लिए खाली कर दे। अगर सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 3 20 दिसंबर से हटा लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि गुड न्यूज़ त्यौहार के दिन यानी कि 25 दिसंबर को ही रिलीज़ हो जाए और ये बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। तो जैसा कि हमने बताया, साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर बॉलीवुड के लिए काफ़ी लकी साबित होता है, तो ज़रा कुछ पिछला स्कोर देख लेते हैं। साल 2017 में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर जिंदा है, ये फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज़ हुई थी और इसने चौथे दिन यानी कि 25 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने। तो वहीं साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल रिलीज़ हुई थी 23 दिसंबर को, रविवार यानी कि क्रिसमस के दिन फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई की, जो कि बॉलीवुड और आमिर खान दोनों का ही सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन था। साल 2015 में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर को रिलीज हुई थी। क्रिसमस के दिन फिल्म का दूसरा शुक्रवार था और इसने 12 करोड़ की कमाई की थी। तो वहीं संजय लीला भंसाली की बाजीराव का क्लैश शाहरुख खान की दिलवाले से हुआ था। दिलवाले ने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ की कमाई की थी। कुल मिलाकर 2015 के क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस ने कुल 20 करोड़ की कमाई की थी। वहीं साल 2014 में आमिर खान की पीके 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी। क्रिसमस के दिन यानी कि रिलीज के 7वें दिन फिल्म ने 27 करोड़ की कमाई की। तो वहीं आमिर खान की धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज़ हुई थी। क्रिसमस पर यानी कि रिलीज़ के 5वें दिन फिल्म ने 25 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी। वहीं सलमान खान की दबंग 2 शाहरुख खान की जीरो की ही तरह 21 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने क्रिसमस के दिन 15 करोड़ की कमाई की थी। वहीं साल 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 23 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। क्रिसमस के दिन यानी कि रविवार को फिल्म ने 17 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अक्षय कुमार की 30 मार खान 24 दिसंबर 2010 को रिलीज़ हुई थी। फरहा खान की इस फिल्म ने रिलीज़ के दूसरे दिन यानी कि क्रिसमस पर लगभग 14 करोड़ की कमाई की थी। आमिर खान की 3 इडियट्स 25 दिसंबर 2009 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने 12 करोड़ 5 लाख की ओपनिंग की थी, जबकि फिल्म के कुछ पेड प्रीव्यू भी चले थे जिनसे फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की थी। वहीं आमिर खान की गजनी 25 दिसंबर 2008 में रिलीज़ हुई और एआर मुरुगोदास की इस फिल्म ने 9 करोड़ की ओपनिंग की थी। ये बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ी फिल्म भी थी। दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए ये काफ़ी दुखद भरा संकेत है, क्योंकि इंशा अल्लाह की पोस्टपोन के साथ साथ दबंग 3 की पोस्टपोन होने का भी जिक्र हो रहा है। ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्म तो ज़रूर लेकर आते हैं, तो क्या वो दबंग 3 को ईद के मौके पर रिलीज़ करेंगे और इससे बॉलीवुड को क्या फ़ायदा हो सकता है?
दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।